और मैं पीछे से भागी तो उन लोग ने 3 गोली मुझ पर चलाई, बाकी मुझे नहीं लग पाई। इधर आई, रज्जू नाम है जिसका, राजेंद्र विश्वकर्मा। दमोह जिले के बासा ताड़ा खेड़ा में बीते दिन हुई 3 हत्याओं के बाद आज जब दमोह से पीएम के बाद तीनों मृतकों के शव बासा ताड़ा खेड़ा पहुंचे तो गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दमोह सागर हाईवे पर लाशें रखकर जाम लगा दिया। मृतकों के परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक एस के सोम बंसी और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर चकाजाम स्थल पर पहुंचे, लोगों को समझाया कि आरोपियों में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। डीएम एसपी ने परिजनों को भरोसा दिलाया तब कहीं जाकर परिजन माने और चकाजाम खोला गया। परिजन का कहना है कि आरोपियों ने 8 हत्याओं की धमकी दी है। परिजनों का आरोप है कि रॉकी सुरेखा ही इन हत्याओं का मास्टरमाइंड, उसी ने गाड़ी और हथियार आरोपियों को उपलब्ध कराए। क्योंकि उनको मैंने छुपा दिया था अंदर, और मैं पीछे से भागी तो उन लोग ने 3 गोली मुझ पर चलाई, बाकी मुझे नहीं लग पाई। इधर आई, रज्जू नाम है जिसका, राजेंद्र विश्वकर्मा और मनु, उन लोग ने हमारी टी शर्ट खींची और उनने हमें पकड़ के पटक दिया कि जे सागर नाके चौकी ना जा पाए। फिर इतना हुआ उतने के बाद भी सियोहरा तक हम दौड़ के गए, 3-4 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद ऑटो वाले को पकड़े, फिर सागरना के चौकी गए। उधर भी हाथापाई हुई हमारी, उसने बोला तुम करके दिखाओ, हम देख ले हैं तुम, बहुत कुछ बोले वो लोग। और उधर उन लोग को मार के आए, इधर घर में क्या बोले, अब तुम लोग और दिखा दो कितने बचे हो, सबको मार डालेंगे, एक एक से जन बच्चों को, हम लोग को मार के डाले आए, दो को मार के आए हैं। घटना सोमवार सुबह की है जिसमें जिले के बासा ताड़ा खेड़ा में 3 स्थानों पर गोलियों और धारदार हथियार चलने से पिता सहित कोचिंग जा रहे 2 स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी। घटना का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है जो वानसा ताड़ खेड़ा गांव में 1 महीने पहले मृतकों और आरोपियों के बीच हुआ था। पल पल इंडिया न्यूज के लिए दमोह से मनोहर शर्मा की रिपोर्ट।